हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल धुन कीर्ति की। और मैं हूँ कीर्ति नरवाल हुड्डा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब बज गए हैं शाम के 5 और अब हम चलते हैं शॉपिंग करने। मैं, मम्मी और करिश्मा सुविधा में देखते हैं या कैप्शंस में कुछ पसंद आ गया, कुछ मम्मी के लिए शॉपिंग करनी है, कुछ अगर हमें पसंद आ गया तो वो देख लेंगे। तो चलते हैं। और दिन में आया था आज अरुण, मामा का लड़का, मम्मी की कोथली लेके। तो और वही इतना घेवर हो गया घर में, मावे वाला भी वैसा भी, और अब मीठा खाने का मन भी नहीं कर रहा बिल्कुल वो खा के। पर ठीक है, कई दिन चल जाता है घेवर तो। और तो बस अब चलते हैं पहले शॉपिंग करने। चलो चलो मम्मी। मम्मी लगा रही है लॉक। आप हमेशा लॉक लगाते हुए दिखते हो, आप हमेशा लॉक लगाते हुए ही दिखते हो। तेरी हुई है और आए थे पापा के करवाने, इसने की है बस, और किसी की नहीं हुई। और ये 15 अगस्त पे देखो ट्राई कलर का हमारा पूरा वो लगा रखा था, और पूरे सॉन्ग चल रहे थे ऐसे स्वतंत्रता वाले। और फिर हम गए डब्लू के शोरूम पे, जहाँ पे हम मम्मी के लिए कुछ देख रहे थे, पर मम्मी को कुछ भी पसंद नहीं आया तो हम रह गए। अब यहाँ पे बीकानेर पे खा रहे हैं गोलगप्पे। हो गया नेक्स्ट डे, और सुबह सुबह मैं पी रही हूँ बनाना शेक, नमकीन चावल, लस्सी। और मैंने बना ली अपने लिए मैगी शाम को, और साथ में कोल्ड कॉफ़ी करते एंजॉय। और फिर ये आया है मामा का लड़का अरुण मम्मी की कोथली लेके। तो अब वो अपनी घड़ी में दिखा रहा है मम्मी को कैसे इसमें हार्ट बीट वगैरह पता चलता है। ये आ गई है मम्मी की कोथली, इसमें से आधा खा चुका है अंकुर, और ये वाला घेवर और फ्रूट्स, लाल लाल अमरूद। अब सही मिठे आ रहे हैं ना अमरूद मम्मी। तो अब बज गए हैं शाम के 7:30, और आज पापा भी नहीं आए हैं अभी। और अंकुर, तो अंकुर का पेपर था दिल्ली, और वो अपने मामा के रुक गया है बहादुरगढ़, तो वो भी नहीं है। और मम्मी बना रही है दलिया, और मैं दलिया इतना खाती नहीं हूँ, और करिश्मा तो खा लेगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं कुछ ऑर्डर करूँ, कुछ जोमेटो करूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। और आज करिश्मा भी लाइब्रेरी से जल्दी आ गई है, वैसे तो ये 8-9 बजे आती है, पर आज जल्दी आ गई, और ये लेटी है। ये कह रही है कि बैक पेन हो रहा है, तो थोड़ा आराम कर रही है, रेस्ट कर रही है। और तो बस देखती हूँ अभी, पहले मैं अपना क्या कुछ ऑर्डर करती हूँ। ये बनाया मम्मी ने दलिया, मम्मी बनाती है गुड़ वाला दलिया। वैसे एक बनता है नमकीन दलिया जिसमें ऐसे वो वाइट होता है, इसमें मम्मी ने गुड़ डाल रखा है तो इसका ऐसा कलर आ रहा है, और बहुत अच्छा लगता है। घी डाल के, दूध डाल के खाओ, बहुत अच्छा लगता है, मतलब सबको जो खाते हैं। मैं नहीं खाती तो मुझे तो ठीक लगता है, मतलब ओके ओके, घी डाल के खा लो तो अच्छा लगता है। वैसे घी डाल के तो मैं फिर भी खा लेती हूँ, पर दूध डाल के तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। पर जिनको दलिया अच्छा लगता है तो गुड़ वाला कभी ट्राई करो, बना के देखो, बहुत अच्छा बनता है। करिश्मा खा रही है दलिया, खाने लगी। कैसा है? सही बन रहा है? अच्छा। और दूध, दूध डालना चाहो दूध, और ये घी रख रखा है, घी डालोगी। मम्मी ने अपना रख लिया है, घी डाल के खाएंगे थोड़ा सा। तो मैं भी थोड़ा सा, तो मैं भी खा के देखती हूँ। घी डाल के तो अच्छा लगता है, घी के साथ खाओ मस्त। और ये मैं खा रही हूँ दलिया, इसमें बस थोड़ा सा ही मैंने घी डाला है। और मैं ये बता रही हूँ कि मैं थोड़ा ही खा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए ऑर्डर कर दिए थाली, तो मैं वैसे वो खाऊंगी, तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए खाती हूँ दलिया, बस थोड़ा ही।
मीठा मेरे को कम लग रहा है मम्मी, आपको मीठा होता सही है। क्या कह रही थी कृष्णा तू, क्या कह रही थी बता। मैं जोर से बोल, तेरे से अकेले से तो पूरी थाली खानी खाई नहीं जाएगी। अच्छा तो तू सोच रही है तू खा ले उसमें, शेयर शेयरिंग इज केयरिंग। अगर मैं पूरी खा गई तो खाई नहीं जाएगी। देखते हैं मैं पूरी थाली अकेले खा सकती हूँ या नहीं। अगर खा सकती हूँ तो तू मान जाएगी कि मेरी डाइट सही है। खा देगी क्या? नहीं खाएगी तो कोई नहीं, तेरे को तेरे से शेयर कर लूंगी। एट लास्ट करिश्मा मेरे साथ खा ही रही है। मैं खा तो सकती हूँ शायद, पर मैं मेरा मेरे को ये हो गया अकेले क्या खाना, शेयर करना, तो साथ में खा रही। खा लिया है हमने खाना और मम्मी अभी देख रही हैं फ़ोन, फ़ोन में ब्लॉग्स देखती हैं और फिर सोती हैं। और अब करिश्मा भी सो रही है, मैं भी सो रही हूँ, तो बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, हो गया है नेक्स्ट डे और मैं अभी ऊपर आई हूँ। और आज मम्मी ऊपर बना रही हैं, मलाई से घी निकाल रही हैं और उसके बाद बनाएंगे आलू के पराठे चूल्हे पे ही। तो और अच्छी हवा चल रही है, ऊपर बैठे हैं हम, दिखाती हूँ आपको। ये देखो मलाई से घी ऐसे निकलता है, अभी पहले पूरा गर्म होएगा और धीरे धीरे फिर ऊपर घी आ जाएगा। ये निकल गया है, ये देखो बिल्कुल साफ। करिश्मा तो खाने भी लगी। कैसा बन रहा है करिश्मा पराठा? सही, सुबह सुबह ऊपर हवा में आलू के पराठे बैठ के खाओ। तो अब बज गए हैं रात के 10:30 और अब मैं हम सोते हैं। और दिन में पराठे वराठे खाए, सही मस्त अच्छे बने हुए थे बहुत। और उसके बाद दिन में पूरा दिन रेस्ट किया, सो गए। और आज मैंने एक मतलब कल हो जाएगी, मैं ये व्लॉग डालूंगी कल, यानी कि तीज वाले दिन 19 तारीख को। तो और तो तीज पे मैंने बनाई एक अच्छी सी रील जो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ देख लेना और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना। मेरा इंस्टा हैंडल है नरवाल कीर्ति, तो उस पे भी आपको मेरी लेटेस्ट रील्स एंड पोस्ट और स्टोरीज देखने को मिलेंगी। तो वहाँ ज़रूर फॉलो कर लेना और इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, और सब्सक्राइब करना।